बाय बाय अर्जुन जॉन हार्टली। बस यही देखकर मैंने जितना भी अपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने में पैसा फूका है ना गुरु, वो सारा वसूल हो गया। मार्वल की इटर्नल्स मूवी देखने के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, ये मूवी उसे एकदम ही भुला देती है। अब मैं जानता हूँ कि दोनों स्टूडियो एकदम ही अलग है, पर इस मूवी की जरूरत थी। अब ये मूवी अपनी लाइट हार्टेड स्टोरी, कमाल के एक्शन सीक्वेंस और मेरी गैल गैडोट के बदौलत दिल जीत लेती है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा हमने पहले देखा ही नहीं है, पर फिर भी ये मूवी मजा पूरा देती है गुरु। अब वैसे तो ये वीडियो कल ही आना चाहिए था, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया। आखिरकार मैंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी रेड नोटिस देखी ली है और आज के वीडियो में हम के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उस लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और शामिल हो जाइए हमारे इस छोटे से परिवार में। पर अब इंट्रो। तो 2021 की रेड नोटिस मूवी, जिसकी स्टार कास्ट एकदम ही औसम है और एकदम ही परफेक्ट, जहां आपने ड्वेन जॉनसन के साथ रायन रेनॉल्ड्स को कास्ट करने का डिसीजन एकदम ही सही था। मूवी में इन दोनों की केमिस्ट्री एकदम ही उभर के नजर आती है और ये दोनों जब एक साथ एक फ्रेम में होते हैं ना, तब की तो यार बात ही छोड़ दो। इसके बाद मूवी में मेरी बहुत ही खूबसूरत गैल गैडोट भी है, जिनको देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगता कि इनको बस ठरक के लिए रख रखा है। उनका रोल भी मूवी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिसेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें मूवी की स्टोरी की, तो वो कुछ इस प्रकार है कि दुनिया का नंबर वन चोर, जो कुछ भी चुराने में काफी ज्यादा माहिर है, कोई उससे पहले ही उसके टारगेट की हुई चीजों को चुरा रहा है। और इसी वजह से इन दोनों चोरों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। इन दोनों चोरों की तलाश है अपने एजेंट जॉन हार्गिव को, मतलब आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, जिसे प्ले कर रहे हैं अपने द ड्वेन जॉनसन एके द रॉक। इसके बाद अपने जो दोनों चोर है उनको एक असाइनमेंट मिलता है कि दुनिया के 3 बेशकीमती ऐतिहासिक अंडों को चुराना है और उस बिलियनियर को दे देना है। जो भी उसे 3 अंडे सबसे पहले देगा उसको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इन्हीं 3 ऐतिहासिक अंडों की खोज, तलाश और चोरी के बीच में पूरी स्टोरी घूमती है। अपनी गैल गैडोट उन दोनों में से एक अंडा चुरा लेती है और अपने ड्वेन जॉनसन को फंसा देती है। इसके बाद अपने द रॉक रेन रेनॉल्ड्स के साथ मिलकर गैल गैडोट को पकड़ के अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच में हमें बहुत सारे एक्शन कॉमेडी और वन टेक शॉट देखने को मिलते हैं और मूवी का बैकग्राउंड स्कोर एकदम ही ओपी है। मूवी में एक जगह अपने द रॉक का कैरेक्टर किसी आदमी को पकड़ने के लिए गाड़ी में बैठता है और पीछे से वो म्यूजिक ऐसे पंप होता है, जिसे देखकर लग रहा था कि बस अभी तो यार मजा आ जाएगा। इसके बाद मूवी चोरी और हैस्ट दोनों का मतलब एक ही होता है, तो उस पे बेस है। वो 3 अंडे चुराना अपने हीरो का मकसद है, क्योंकि उसको दुनिया का सबसे बड़ा चोर बनना है। मतलब क्यों? ऐसा नहीं है कि ऐसी मूवी हमने पहले कहीं देखी ही नहीं है। एक मूवी है जो इसी सेम स्टोरी रखती है, पर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर स्पॉइलर हो जाएगा। इसके बाद मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स है, जिसके लिए आपको अपना दिमाग मूवी में लगा के रखना होगा। पर अगर आप मूवी में कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दोगे तो आप पहले ही गेस कर लोगे कि एंड में क्या होने वाला है। इसके बाद मूवी बहुत सारे डबल क्रॉस से भरी हुई है। इसको डबल क्रॉस कर रहा है, वो उसको डबल क्रॉस कर रहा है, वो किसी और को ही डबल क्रॉस कर रहा है, पर फिर भी ये सब देखने में मजा बहुत आता है, स्पेशली Bye, Jun John Hartley. ये वाला। इसके बाद अगर हम बात करें मूवी में एक्टिंग की, तो वो तो लाजवाब है। तीनों कैरेक्टर्स ने अपना रोल बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया है, जिसमें मुझे पर्सनली अपने रायन रेनॉल्ड्स का कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। मतलब उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है और वन लाइनर्स है, वो एकदम ही दिल खुश कर देते हैं। इसके बाद अपने रायन रेनॉल्ड्स का द रॉक के लिए प्यार, मतलब जो भी रिलेशन दिखाया है, वो भी देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और हाँ, आप में से काफी लोग इसे हिंदी में ही देखेंगे, मतलब मैंने भी हिंदी में ही देखा है, तो हाँ इसका हिंदी डब काफी ज्यादा डिसेंट है। और हाँ, आपने रायन रेनॉल्ड्स को जो संकेत मात्रे की आवाज दी और उनके लिए जो राइटिंग की है, वो एकदम ही ओपी है। मतलब मूवी में एक सीन आता है जहाँ आपने रायन रेनॉल्ड्स द रॉक कहते हैं कि बेटी शकुंतला तू तो सयानी हो गई। मतलब वो वाला सीन देख के मैंने लिटरली मूवी पॉज की और मैं बहुत देर तक उस पे हंस रहा था। तो हाँ, मूवी इंटरटेनिंग तो है गुरु। और अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 2021 की रेड नोटिस मूवी एक्शन ड्रामा और चोरी के अराउंड घूमती है। इसमें अपने रायन रेनॉल्ड्स और ड्वेन जॉनसन की केमिस्ट्री एकदम ही ओपी है। और अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो क्या कर रही हो, और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जाके देखो और आके मुझे भी बताओ कि ये मूवी आपको कैसे लगी। और इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार दीजिए इस वीडियो को। चैनल पे कहीं से भी नए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। सब्सक्राइब करना एकदम ही फ्री होता है, तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। और अगर आपको वीडियो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर मेरी लाइफ में ऐसे घुस के देखना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ भी हमको जरूर से फॉलो करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग वी के एक्सप्लेन।